जैसे मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं जी? शेखुपुरा से। आप शेखुपुरा से हैं, तो कैसे गुजरे हैं ये आपके 6 महीने, खासतौर पे दहशत गर्दों के साथ झड़प में बहुत सख्त गुजरे होंगे? जिंदगी की कश्मकश में गुजरे हैं, जिंदगी और मौत के साथ। और परेशानी होती होगी आपको भी, घर वालों को? बिल्कुल, घर वालों से बात होती रही इन 6 महीनों में? कभी होती है कभी नहीं होती है। जब आपने कहा कि जिंदगी मौत की कश्मकश में गुजरे हैं, तो वो क्या चीज थी जिंदगी मौत की कश्मकश में कि जो आपको कहते थे कि नहीं लड़ते रहो इनके साथ? एक यश के बच्चे। आपके बहुत से साथियों ने बच्चों के लिए कुर्बानियां देकर महफूज बना लिया इस इलाके को। बिल्कुल, हमारे अपने साथी शहीद हुए, हमारे 3 साथी शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी जो भी दीक्षा है CMH की। तो महसूस होता है कि आपने उन बच्चों का बदला ले लिया? लिया हमने, हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि हमने उन बच्चों का बदला लिया, और आज हम उन माओं को खुशी से ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों का बदला ले लिया। आपके बच्चे हैं, कि आपको उन बच्चों का दुख महसूस होता है? बहुत ज्यादा। ईद भी पहली आ रही है उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे शहीद हो गए ATS में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उन वालिदैन को? बिल्कुल, उनको सफर करना चाहिए और हमारे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा वाकया ना हो हम इन लोगों के हाथ काट दें। इन भारी भरकम वर्दियों, इन भारी भरकम हथियारों के पीछे भी मासूम दिल छुपे हैं कि जो अपने मुल्क के लोगों, अपने मुल्क के बच्चों की मुश्किलात पे, उनके कुर्बानियों पे तड़प उठते हैं और उन्हें